आरएलडी चीफ और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया है। वे कोरोना से संक्रमित थे। 82 वर्षीय अजीत सिंह की मंगलवार रात को तबीयत बेहद बिगड़ गई थी। उन्हें गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बताया जा रहा है कि फेफड़ों में संक्रमण बढ़ने के कारण उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह बागपत से 7 बार सांसद और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं। उनके निधन के बाद बागपत समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शोक की लहर है। चौधरी अजीत सिंह की गिनती जाट बिरादरी के बड़े किसान नेताओं में होती है।